विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी के मार्गदर्शन में लगातार बिलहरी में गोपालपुर शासकीय स्कूल एवं आंगनवाड़ी में झाड़ झंकार को हटाने का कार्य पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री संजय ठाकुर जी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे एवं गोपालपुरम शासकीय स्कूल की सभी शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थी। डेंगू मलेरिया लगातार जिले में पेड़ पसार रहा है, जिसे देखते हुए जनप्रतिनिधि और साथ ही में कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूलों और कॉलोनियों में अपने स्तर पर साफ सफाई व्यवस्था बनाई जा रही है। आंगनवाड़ी गोपालपुरम परिसर के आसपास बहुत सारे झंकाड़े का जमाव हो गया था, तो संजय भैया से हम लोग ने आग्रह किया कि इसका सफाई किया जाए, तो भैया ने JCB लगा के उसका साफ सफाई करवाया। भैया से और निवेदन है कि दवाई का भी छिड़काव किया जाए। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रीना यादव। मैं मिथिलेश बढ़ गई हूँ, शासकीय माध्यमिक शाला गोपालपुरम में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और शाला परिसर के आसपास बहुत अधिक अवांछित झाड़ झंकाड़ का जमावड़ा बहुत हो गया था, कचरा भी बहुत हो गया था, तो संजय भैया से हम लोगों ने आग्रह किया कि इस परिसर को साफ सफाई करवाई जाए, तो उन्होंने JCB बुलवा कर आसपास के पूरा परिसर साफ कराया। इसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और डेंगू के बचाव के लिए दवाई का भी छिड़काव किया जाए, ऐसा हमारा आग्रह है हम सबका शाला परिवार की ओर से। धन्यवाद। वॉइस ऑफ प्राइड्स के जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।